खुशदानी में आ गए कैसे। दोस्तों, बात पे दम हो, सच्चाई हो तो आपकी ताई जानी चाहिए कि अश्कदानी में आ गए कैसे, गहरे पानी में आ गए कैसे, गहरे पानी में आ गए कैसे, और गंदे नालों में जिनको होना था राजधानी में आ गए कैसे। तालियां बजावा थी वैसे कर दो बस। अश्कदानी में आ गए कैसे, गहरे पानी में आ गए कैसे, गंदे नालों में जिनको होना था राजधानी में आ गए कैसे। वो कैसे आ सुनेगा कि शाखे गुल तलवार बनी तो हैरत क्या, शाखे गुल तलवार बनी तो हैरत क्या, रस्ते की दीवार बनी तो हैरत क्या, और सुन्नी और देवबंदी में हम उलझे हैं, बीजेपी सरकार बनी तो हैरत क्या, बीजेपी नवाजिश के शाखे गुल तलवार बनी तो हैरत क्या, रस्ते की दीवार बनी तो हैरत क्या, सुन्नी और देवबंदी में हम उलझे हैं, बीजेपी सरकार बनी तो हैरत क्या, के बैठे बैठे बाबा को मत तान दे रहे, बैठे बैठे बाबा को मत तान दे रहे, जैसे भी गाते हैं गाना तान दे रहे, बैठे बैठे बाबा को मत तान दे रहे, जैसे भी गाते हैं गाना गांधेरव है, और अपने पीए से एमएलए ने ये कहा पैसा ऐसा हो या वैसा, अपने पीए से एमएलए ने कहा पैसा ऐसा हो या वैसा, आंधेरव है तो महिमा घर पे आ गए वारा, बोल कैसा करता, तू भी लुखा मैं भी लुखा, बोल कैसा करता, और पकड़ के एक पुलिस वाले ने पॉकेट मार को कॉलर कोने में ले जाकर बोला बोल कैसा करता, और 5 बरस तक तूने हमको उल्लू खूब बनाया, अब तो सर पे चुनाव है बेटा बोल कैसा करता। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा एक कवाली है, सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए थे, ये इसके माहौल बना रहा हूं मैं, मतलब थोड़ा माहौल बना रहा हूं मैं, कि हजारों मुर्गियां ऐसी कि हर मुर्गी का दम निकले, मुर्गियां समझ लो, कि हजारों मुर्गियां ऐसी कि हर मुर्गी का दम निकले, अंधेरी रात में जब बांग देते घर से हम निकले, और फटे कुर्ते पे मत जाना 50 जेब हैं इसमें, चचा जान सुनिएगा, कि फटे कुर्ते पे मत जाना 50 जेब हैं इसमें, न जाने कब कहा किस जेब से गांजा चिलम निकले, कि फटे कुर्ते पे मत जाना 50 जेब हैं इसमें, न जाने कब कहां किस जेब से गांजा चिलम निकले। तस्वीर देखिएगा कि ससुर की सरपरस्ती सालियों की रहनुमाई में, ससुर की सरपरस्ती सालियों की रहनुमाई में, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और जवानी में तो गुल छर्रे उड़ाए थे मेरे मामू, और बुढ़ापे में भी नाना की तरह साबित कदम निकले, जवानी में तो गुल छर्रे उड़ाए थे मेरे मामू, बुढ़ापे में भी नाना की तरह गर्मा गर्म निकले। आइए दोस्तों सुनिए, आपके कवाली सुनी होगी,
میں سمجھتا ہوں اس میں 6 رباعی ہے, میں 3 پڑھ رہا ہوں, سنیے گا دوستوں, مزہ بہت مزہ آئے گا آپ کو, بالکل نئی چیز پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا, سنیے گا. آنے والے ہماری محفل میں, آنے والے ہماری محفل میں دال روٹی چپاتی کھاتا جا, کوئی روکے گا اور نہ ٹوکے گا, بوٹیاں جم کے تو ٹکاتا گا, اور کالی صورت کو سنورنے کی ضرورت ہے بہت, اچھے کپڑوں سے بھی لوگوں کو جلن ہوتی ہے, اور تم جو آ جاتے ہو محفل میں پہن کر کچھ بھی, تم کو معلوم ہے کتنوں کو گھٹن ہوتی ہے, ڈگ ڈگی جھوٹ کی ہر وقت بجانے والے بھائیوں بہنوں کی آواز لگانے والے, کل تلک جو تھے یہاں چائے بنانے والے, ڈگ ڈگی جھوٹ کی ہر وقت بجانے والے بھائیوں بہنوں کی آواز لگانے والے, کل تلک جو تھے یہاں چائے بنانے والے, بن گئے آج وہ سرکار چلانے والے, تو سوچتا ہوں ارے سوچتا ہوں وہ کتنے پھٹے حال تھے, سوچتا ہوں وہ کتنے پھٹے حال تھے, لکھپتی ہو گئے دیکھتے دیکھتے, سوچتا ہوں وہ کتنے پھٹے حال تھے, سوچتا ہوں ٹھوکر سے ورکر بنایا جینے, بندری ہو گئے دیکھتے, میں نے ٹھوکر سے ورکر بنایا جینے, منتری ہو گئے دیکھتے, سوچتا ہوں. آئیے پہلے شیر پڑھنا, اور اپنی ڈگری ہے اپنی ڈگری پہ جن کو بہت ناز تھا, اپنی ڈگری پہ جن کو بہت ناز تھا, اور محلے میں جن کا بڑا روب تھا, اپنا گھر بیچ کر وہ سعودی گئے, اور کلی ہو گئے دیکھتے, اپنا گھر بیچ کر وہ سعودی گئے, اور کلی ہو گئے دیکھتے. آئیے یہ بھی شیر بدر کا سنیے گا, دیکھیے گا, اور جن کے بالوں میں چچا جان سنیے گا, نہیں سب کا جواب ہوتا, نہیں آپ سمجھیں, میں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں, اور جن کے بالوں میں جوؤں کی بھرمار تھی, اور جن کے بالوں میں جوؤں کی بھرمار تھی, اور پسینے کی ماتھے پہ بوچھار تھی, بیوٹی پارلر میں ایک روز وہ کیا گئے, بیوٹی پارلر میں ایک روز وہ کیا گئے, چاندنی ہو گئے دیکھتے, بیوٹی پارلر میں ایک روز. آئیے یہ بھی شیر پتھر کا سنیے گا, شیر کی طرح غراتے تھے جو کبھی, تان کے سینہ چلتے تھے جو
बैठे उनकी शादी को बस चार दिन क्या हुए लो मोड़ी हो गए देखते शेर की तरह गुर्राते थे जो कभी काम के सीना चलते थे जो हर घड़ी उनकी शादी को और उनकी शादी को बस चार दिन क्या हुए उनकी शादी को बस चार दिन क्या हुए लोमड़ी हो गए देखते देखते सोच आइए ये शेर पत्रकार सिंह का वो जो अंडे गंदे अंडे आप समझ लो अंडे को वो जो अंडे और गंदे अंडे गटर छाप में डक थे वो जो अंडे गटर छाप में डक थे बाबा पाखंडियों की जो बैठक के थे उनपे हुस्नो उनपे हुस्नो अदागी क्या बिजली गिरी सामुरी हो गए देखते देखते उनपे हुस्नो अदागी आइए हर फागिर हमारे सलाहुद्दीन साहब की फरमाइश है सागर भाई की फरमाइश है इजाज भाई की देखिए मेरे रश के कमर देखिए आप दिल ही दिल में तालियां बजाते मैं समझ लू सरसराती हुई सर फिरी धूप में चिलचिलाती हुई फिर कड़ी धूप में चिलचिलाती हुई फिर कड़ी धूप में मेरे गुजरे चमन चमन चरम 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 सरसराती हुई सर फिरी धूप में चिलचिलाती हुई फिर कड़ी धूप में मेरे गुजड़े चमन 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 मेरे गुजड़े चमन मेरे काली चरण खाके पूरा चिकन तूने टकला बनाया मजा आ गया मेरे गुजड़े चमन मेरे गुजड़े चमन खाके पूरा चिकन तूने टकला बनाया मजा आ गया मेरे गुजड़े चमन खाके पूरा चिकन तूने टकला बनाया मजा आ गया और फिर अपने टकले के मैदान को दिल से चमचमाया मजा आ गया मेरे गुजरे चमन बहुत नवाजिश आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपकी मोहब्बत और सलाम करता हूँ और आप लोग जो मन ही मन में तालियां बजा रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ आइए पहले शेर सुनिएगा मेरे ये जो शेर में पढ़ने जा रहा हूँ आप उसे महसूस करें एक आपके सामने सीन आएगी देखिएगा दिल में कब के वो सामने आ गया दिल में कब के वो सामने आ गया और बूढ़ापा बूढ़ापे से टकरा गया शेर पढ़ना मेरा काम है पहुंचना आप बता चला दिल में कब के वो सामने आ गया और बूढ़ापा बूढ़ापे से टकरा गया और बूढ़ापा बूढ़ापे से टकरा गया सांस फूलने लगी सांस फूलने लगी सांस फूलने लगी दम उखड़ने लगा ऐसे कस के दबाया मजा आ गया सांस फूलने लगी सांस फूलने शुक्रिया ये मुखला काफी जागरूक है मैं दोबारा हाजिर करता हूँ